तो दोस्तों राइट नाउ हम लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर एक वाइन की शॉप में, ठीक है। हम लोग पहुंचे हैं एक वाइन की शॉप में और अभी वाइन की शॉप में आए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या कैसा है, ठीक है। अगर आपको मैं एक बैकग्राउंड से पूरा दिखाऊं तो ये तुम क्या कर रही हो वाइन की शॉप में, और लड़की तुम क्या कर रही हो वाइन की ये दोस्तों ये भाई ये विलियम लॉसन्स का ये पूरा पड़ा हुआ है, ये पूरा मतलब ये पूरा एक दारू का ही सुपरमार्केट है। ये क्या है, ये दारू का ही सुपरमार्केट है, ब्लैक डॉग। ये क्या, ये 2 लीटर वाली बोतल है, ये 2 लीटर वाली बोतल है। ये अपने तरफ 2 लीटर वाली बोतल मिलती नहीं है, ये मिलती है गोवा में आकर, हमारी तरफ नहीं मिलती। हाँ मुंबई में मिलती है, यूपी वगैरह में पॉसिबिलिटी नहीं है 2 लीटर वाली। हाँ यूपी लोग गरीब होते हैं, कम दारू पीते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भाई अपने तरफ वैट 69 की थोड़ी बहुत बोतलें देखने मिलते हैं, ये पूरा वैट 69 चला है। और मेरा कौन सा फेवरेट है वो तो इधर बताने नहीं क्योंकि मैं पीता नहीं, चला आया था इधर, ठीक है। ये टीचर्स वगैरह सारे, और भाई ये वोडका है, सारे वोडका भाई। यहाँ पर दारू पीने वालों के लिए वोडका के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोडका पी रहे हैं। ये कभी दारू है उसमें ये जीन जैसा है, क्या है जीन, ये जीन भाई, ये जीन है जो कि मैंने पहली बार सुना है दारू में। जीन क्या होता है भाई? जीन डायरेक्ट पीना होता है, शॉर्ट मारना होता है, मतलब अल्कोहल 42% ही होता है। अच्छा, जैसे वो शॉर्ट्स जो बनती है इसी की बनती है क्या? हाँ जो शॉर्ट्स पिलाई जाती है। हाँ अच्छा, जो शॉर्ट्स पिलाई जाती है वो इन्हीं सब की होती है, जिसे भाई ने बताया कि जीन कहते हैं। और इन सब की प्राइसिंग क्या होती है लगभग? 350 से स्टार्ट होती है, चल जाती है 4000 तक की। अच्छा मतलब नॉर्मल 5000 तक का रेंज चल जाती है, मतलब नॉर्मली है लगभग, मतलब स्टार्ट होता है, उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, नॉर्मली है ये। ओके ठीक है, ये नॉर्मली है। ये क्या है, शोला? अच्छा ये वाइन है। अच्छा यार भाई वाइन है, मैंने सुना है कि जो सबसे पुरानी वाइन होती है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जो ओल्डेस्ट वाइन होती है, तो इसमें से कौन सी है? अच्छा, ये भाई सबसे पुरानी है, मतलब जो जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उतनी ज़्यादा अच्छा होता है रेड वाइन, जो कॉर्ड बहुत लोग होते हैं। ये कितने का है? 7000। ये 7000 का है भाई। मैं एक और कॉस्टली दारू दिखाने वाला हूँ जो कि मैं भी देख करके थोड़ा बहुत हिला हूँ, और यहाँ का जो सबसे महंगा मुझे जो यहाँ पे दिखाया अभी तक दारू वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ ये रहे हमारे यहाँ के लोकल सस्ते दारू, इम्पीरियल रॉयल स्टेज। ये रॉयल स्टेज के बड़े वाले बोतल, जिसने ना देखे वो देख सकता है, रॉयल स्टेज की 2 लीटर वाली बोतल। मैकडॉल्स ये हमारे यहाँ का देसी है एक तरीके का, देसी का रेंज का ही भाई। यहाँ पे 340 में ये मिल रहा है, ये फुल है ना इसका? ये फुल है, ये 340 में फुल मिल रहा है। वहाँ पर 340 में फुल कितने में मिलता है? 600-700 से नीचे नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो जिसे सस्ते में दारू पीना है गोवा के पी लेना। थोड़ा सा आते हैं हम लोग बियर के कलेक्शन पे। बियर का कलेक्शन एज पर नॉर्मल है, अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग। इधर एक बियर मैंने देखा है एक्स्ट्रा, ये कौन सा है? हाइनकिन, हाइनकिन दोस्त। ये हैंकिन यहाँ का बियर है क्या? नहीं सर, ये कौन सा? ये नहीं नहीं है तो इंडिया नहीं, मतलब पूछ रहा हूँ गोवा का प्रॉपर है क्या? ऐसे ओके, ये हैंकिन है, कुछ वैसा नहीं है। ट्यूबर वगैरह बियर सारे वही है। एक जो सबसे कॉस्टली दारू है यहाँ की वो है यहाँ पे, ये जो ये है 3 लैक्स 500 ml की है, ठीक है। और ये दारू है 3 लैक्स। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए थे यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम लोग लेने के लिए आए हुए थे, ठीक है। मैं अभी अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो कुछ यहाँ पे फ्रूट्स जो है ना, यहाँ पे गोवा में सबसे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए
कुछ आपको सिंपल सी ही जगह है, कुछ मतलब चुनी हुई जगह है, लेकिन यहाँ दारू हर जगह मिलेगी। तो हाँ, पानी मिले ना मिले, दारू हर जगह, और फ्रूट्स वेजिटेबल भाई बहुत ही मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत जगह मिलना। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे लगा कर कितने रुपए केजी है वो पहले ही लगा दिया जाता है। क्योंकि ये क्या ड्रैगन फ्रूट्स 100 रुपीज़ पर पीस है यहाँ पे। ठीक है, और ये अपनी तरफ का आलू बुखारा जो कि इधर 300 रुपये केजी है। शेव यहाँ पे 240 के क्या था कल, रेट भी उतरता है। अच्छा अच्छा, गणपति को लेकर रेट ज़्यादा है। ओके, गणपति को लेकर के रेट ज़्यादा है लेकिन रेट थोड़ा बहुत यहाँ पे उतरता भी है। ये रही इंटरनेशनल अवोकाडो, इंटरनेशनल अवोकाडो जो कि 600 रुपये केजी है, 600 रुपये। और ये है अपने यहाँ का अवोकाडो जो कि 250 रुपये केजी है। ये है इंडियन अवोकाडो, ये है इंडियन अवोकाडो जो कि 250 रुपये केजी है, 250 रुपये केजी। तो मतलब फॉरनर चीज़ें हर जगह महंगी है और इंडियन सस्ती। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हो रहा है शाम, और शाम को हम लोग जा रहे हैं कहाँ, टीटॉस क्लब। गोवा का टीटॉस क्लब फेमस है वो आपको ही पता है, लेकिन यहाँ पर अभी ऑफ सीजन में थोड़ा सा खाली चल रहा है। ठीक है, और खाली में ही हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं अभी क्या कैसा वहाँ का माहौल है, कितना ज़्यादा क्राउड है, शांति है, वो हम लोग देखते हैं अभी। सो अभी हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और प्रतीक्षा को देखते हैं प्रतीक्षा क्या कर रही है, प्रतीक्षा क्या कर रही है, किधर है, किधर हो, क्या कर रही है। ये यहाँ पे अपना ही अलग सजने में लगी हुई है। ये अपना अलग सजने में लगी हुई है, और मेरे को क्या, ये शर्ट पहन के मैं घूम रहा था, ये जींस जूता डाल करके मैं चल दिया। ठीक है, अपने को क्या, अपने को कौन देखता है यार, कोई नहीं देखता, लॉन्डो के साथ हमेशा यही होता है। तो अपन चल रहे हैं टीटॉस क्लब आज, और करते हैं कुछ धूम धड़ाका। अभी हो चुका है यहाँ पर सुबह, और सुबह का है ये नज़ारा। कल रात टीटॉस से आने के बाद सुबह नींद खुली है थोड़ा लेट, और ये रहा सुबह का व्यू यहाँ का विद स्विमिंग पूल, एक अलग ही मज़ा आता है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी मतलब यूनिक प्रॉपर्टी है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा लेकिन प्रॉपर्टी यूनिक है ये। ठीक है, और रात की जो टीटॉस में जो मज़ा आया ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था, टीटॉस का जो मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त था। और हम लोग रात में फुल एंजॉय करके 12-12:30 बजे हम लोग आए हैं टीटॉस से। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके तो ही सो गए। और एक चीज़ है, टीटॉस क्लब बढ़िया है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली कोई वैसे सीन नहीं रहती है ज़्यादातर। ठीक है, सो दोस्तों अभी हो रहा है 1 बज रहा है करीबन, और हम लोग आज यहाँ पर खाना खुद से बना रहे हैं क्योंकि बाहर का 2-3 दिन से खा करके मन ऊब सा गया था, और शॉर्ट में बनाना है तो क्या बनाएं, तो आज खाना खुद से बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बना है, ये बन चुका है यहाँ पे चावल, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है अंडा कड़ी,
तो आज जो अपन खाएंगे वो चावल और अंडा कड़ी, यहाँ पे सेल्फ मेड कर और खुद का बनाया हुआ खाने का है अभी अपने को, ठीक है।